हेलो व्यूवर्स, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही इसे अपने सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लहसुन वाला उपाय, जिससे कि आप अपने बालों को तेजी से मोटा, लंबा व घना बना सकते हैं। फ्रेंड्स, असंतुलित यानी कि अनहेल्दी खान पान का असर आपकी सेहत के साथ ही आपके बालों पर भी पड़ता है और फ्रेंड्स उनको ठीक से पोषण यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में दोस्तों, लहसुन इस कमी को पूरा करके आपके बालों के रोम छिद्र यानी कि फ्रेंड्स आपके हेयर फॉलिकल्स को पोषण देता है। जी हाँ, जिससे कि आपके बाल पोषित होते हैं। वैसे आपको बता दें कि फ्रेंड्स लहसुन में पाया जाने वाला सेलेनियम तत्व हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का भी काम करता है। जी हाँ, साथ ही इसका तेल यानी कि गार्लिक ऑयल आपके बालों की जड़ों में लगाने से आपके बालों को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, लहसुन का तेल यानी कि गार्लिक ऑयल आपके बालों में लगाने से इरिटेटेड स्कैल्प भी शांत होती हैं और फ्रेंड्स आपके सिर से डैंड्रफ की समस्या भी दूर हो जाती हैं। जी हाँ, इससे जड़ों की सफाई होती है और साथ ही बालों को मजबूती यानी कि स्ट्रेंथ भी मिलती है। जी हाँ, साथ ही फ्रेंड्स इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि माइक्रोबियल वृद्धि को रोकती हैं और साथ ही फ्रेंड्स ये आपके बालों के विकास यानी कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी करती हैं। जी हाँ, साथ ही फ्रेंड्स लहसुन के इस्तेमाल से आपके बालों के झड़ने की समस्या को भी रोका जा सकता है। जी हाँ, इसके साथ ही फ्रेंड्स क्योंकि इसमें सल्फर ज्यादा मात्रा में होता है जो कि फ्रेंड्स आंसे में बालों के टूटने से रोकता है और तो फ्रेंड्स ये ना केवल आपके बालों को झड़ने से रोकता है बल्कि नए बाल उगाने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। सारी फ्रेंड्स ये आपके बालों को सुंदर और साथ ही स्वस्थ यानी कि ब्यूटीफुल एंड हेल्दी भी बनाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स अगर आप लहसुन के तेल का यूज करना चाहते हैं तो ऐसे में फ्रेंड्स आप लहसुन के तेल को किसी और हेयर ऑयल के साथ मिलाकर अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं या फिर फ्रेंड्स आप चाहे तो इसके साथ ही गार्लिक हेयर मास्क भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं गार्लिक हेयर मास्क बनाने की विधि के बारे में। तो सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं लहसुन और साथ ही नारियल तेल का मास्क कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स इसके लिए किसी बाउल में लहसुन का बारीक सा पेस्ट यानी कि गार्लिक का फाइन पेस्ट बना लीजिए। अब इसके बाद इसमें नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल मिक्स कर लीजिए और फ्रेंड्स इस मिश्रण को अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से रगड़ें और फ्रेंड्स करीब आधे से एक घंटे तक इस मिश्रण को बालों पर ही रहने दीजिए। अब आप अपने बालों को धो लीजिए। फ्रेंड्स कुछ समय तक ऐसा करने से आपके बाल जड़ से मजबूत यानी कि स्ट्रेंथन और साथ ही घने होते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी रुक जाएगी और तो फ्रेंड्स ये हेयर मास्क डैंड्रफ का इलाज भी करता है, साथ ही आपकी जुओं को होने से भी रोकता है और आपके बालों को चमकदार बनाता है और फ्रेंड्स आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करता है और साथ ही आपके बालों के विकास को भी उत्तेजित करता है यानी कि आपके बालों के ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपको लंबे घने मोटे बाल चाहिए तो ऐसे में आप लहसुन और साथ ही नारियल तेल वाला ये मास्क लगाकर ज़रूर देखिए। दोस्तों लहसुन वाला हेयर मास्क है लहसुन के साथ शहद का मिश्रण। जी हाँ फ्रेंड्स, लहसुन के रस यानी कि गार्लिक जूस में शहद मिलाकर एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लीजिए और फ्रेंड्स आप इसे बालों की जड़ों में लगा लीजिए। करीब आधे से एक घंटे लगाने के बाद इसे शैम्पू से धो लीजिए और फ्रेंड्स इस मास्क का प्रयोग करने के बाद अगर आपके बालों से लहसुन की गंध आ रही है तो ऐसे में इस गंध से बचने के लिए खुशबूदार शैम्पू यानी कि एरोमेटिक शैम्पू का प्रयोग कीजिए। और फ्रेंड्स याद रखिए, आपको लहसुन और साथ ही शहद वाला हेयर मास्क हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, तभी जाके हमारे गिरे हुए बाल धीरे धीरे से वापस आना शुरू हो जाएंगे और साथ ही फ्रेंड्स आपके बालों की लंबाई भी बढ़ती हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये आपके बालों को घना भी बनाता है, साथ ही इससे आपके बालों का समय से पहले सफ़ेद होना भी रुक जाएगा और फ्रेंड्स आपकी सबसे बड़ी हेयर फॉल प्रॉब्लम भी रुक जाएगी। जी हाँ, यानी कि आपको हेयर फॉल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपको खास करके हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में आप लहसुन और साथ ही शहद वाला मास्क ज़रूर ट्राई करके देखिए। दोस्तों नेक्स्ट वाला हेयर मास्क है लहसुन के साथ जैतून तेल का मिश्रण। हाँ फ्रेंड्स, लहसुन की मदद से सफ़ेद होते बाल यानी कि ग्रे हेयर्स को रोका जा सकता है। इसके लिए फ्रेंड्स लहसुन की कलियों को जैतून के तेल यानी कि ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर गर्म कीजिए
और जब ये पूरी तरह से मिल जाए तो आप उसे उतार कर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। फिर उसके बाद फ्रेंड इसे अपने बालों पर लगा लीजिए। रात भर के लिए यूं ही इसे अपने बालों पर लगा हुआ छोड़ दीजिए। और फ्रेंड दूसरे दिन यानी कि सेकेंड डे आप मॉर्निंग में अपने बालों को धो लीजिए। इससे आपके सफ़ेद होते बाल यानी कि ग्रे हेयर्स प्रॉब्लम कम हो जाएंगी और आपके बाल फिर से काले भी हो जाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स आप लहसुन के साथ जैतून तेल का मिश्रण इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। दोस्तों नेक्स्ट वाला है लहसुन और साथ ही अदरक का मास्क। जी हाँ, अदरक और साथ ही लहसुन को क्रश करके ब्लेंड कर लीजिए। अब इसके बाद फ्रेंड इस पेस्ट को सरसों के तेल में पका लीजिए और हल्का सा भूरा होने पर इस मिश्रण को ठंडा कर लीजिए। और फ्रेंड्स मिश्रण में से आप पल्प को हटाकर तेल से 15 मिनट तक अपने स्कैल्प की मसाज करें। और फ्रेंड्स स्कैल्प के साथ बालों की लंबाई पर भी आप इसे लगा लीजिए यानी कि इसके लेंथ पर भी आप इसे लगा लीजिए। जी हाँ, 30 मिनट बाद बालों को पानी से वॉश कर लीजिए। इससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और साथ ही फ्रेंड कुछ ही समय में आपके बाल लंबे घने और साथ ही हेल्दी होते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आप ये लहसुन और साथ ही अदरक का मास्क ट्राई करके ज़रूर देखिए। दोस्तों नेक्स्ट वाला मास्क है प्याज लहसुन और साथ ही दालचीनी वाला मास्क। जी हाँ फ्रेंड्स, इस हेयर मास्क से आंसे में बालों का झड़ना रुक जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये मास्क आपके स्कैल्प के ब्लड फ्लो को स्टिम्युलेट करता है और आपके हेयर्स को नरिश करता है। साथ ही फ्रेंड्स ये मास्क आपके हेयर्स के लेंथ को बढ़ाता है और बालों को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि फ्रेंड्स आपके बाल बहुत ही सीधा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एंड थिक बन जाते हैं। जी हाँ, सो फ्रेंड्स इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो है एक छोटा सा प्याज, 3 से 4 लहसुन की कलियां और साथ ही फ्रेंड्स आपको चाहिए एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और 2 कप पानी। चलिए जान लेते हैं इस हेयर मास्क को बनाने की विधि क्या है। फ्रेंड्स इसके लिए सभी सामग्रियों को पानी में 15 मिनट के लिए उबाल लीजिए। इसको ठंडा होने दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स इस पानी को छान लीजिए और फ्रेंड्स इस पेय को बालों में डालें और 15 मिनट तक लगा हुआ रहने दीजिए। और फ्रेंड्स आप 15 मिनट के बाद गुनगुने या फिर ठंडे पानी से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। फ्रेंड्स आप इस उपाय को हफ्ते में रोजाना कीजिए। जी हाँ, और आप इस उपाय को 1 हफ्ते तक लगातार करके देखिए। इससे फ्रेंड्स आपके बालों में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आएगा। दोस्तों नेक्स्ट वाला मास्क है लहसुन का शैम्पू। हाँ फ्रेंड्स, ये गार्लिक शैम्पू आपके हेयर्स को स्मूथ, शाइनी एंड सिल्की बनाता है। सो फ्रेंड चलिए जान लेते हैं इस मास्क को बनाने के लिए आपको कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। इसके लिए फ्रेंड्स आपको चाहिए 15 लहसुन की कलियां और साथ ही फ्रेंड 10 ड्रॉप्स पेपरमिंट अवश्य तेल यानी कि पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की। जी हाँ, चलिए जान लेते हैं इसे बनाने की विधि क्या है। फ्रेंड्स आप लहसुन को पीसकर पेस्ट बना लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस पेस्ट को एक बॉटल शैम्पू में डाल दीजिए। साथ ही फ्रेंड्स आप इसमें सुगंध को बढ़ाने के लिए पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की 10 बूंदें डाल दीजिए। और फ्रेंड्स इस शैम्पू को बाल धोने के लिए रोजाना इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप इस शैम्पू का रोजाना इस्तेमाल करती हैं तो ऐसे में इससे आपके बाल शाइनी, सिल्की एंड स्मूथ बनते हैं। इसीलिए आप इस तरह की शैम्पू का इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी आपको घर पर कैसे बनाना है लहसुन का तेल। जी हाँ फ्रेंड, इसके लिए आप लहसुन की 4 कलियों को क्रश कर लीजिए और इसे जैतून के तेल वाले सॉस पैन में डाल दीजिए। और फ्रेंड्स अब 3 से 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म कीजिए। अब पैन को गैस से उतार कर मिश्रण को एक कंटेनर में डाल दीजिए। फ्रेंड्स रिफ्रिजरेटर में 5 दिनों के लिए इस तेल को ऐसे ही रख दीजिए। और जब 5 दिन हो जाए तो आप इस तेल का इस्तेमाल रोज़ाना अपने बालों पर कीजिए। इससे फ्रेंड्स आपके बाल लंबे, घने, मजबूत, चमकदार और साथ ही शाइनी बनते हैं। इसके साथ ही आपके बालों में होने वाली डैंड्रफ की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और फ्रेंड्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेयर फॉल होना भी रुक जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स आप ये घर पर बना हुआ लहसुन का तेल का इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके बालों को हेल्दी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए आप गार्लिक ऑयल का इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। सो फ्रेंड्स अब आपने जान लिया है आप किस तरीके से लहसुन के तेल, शैम्पू और साथ ही फ्रेंड्स हेयर मास्क का इस्तेमाल करके अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए, जब आप लहसुन का इस्तेमाल अपने बालों पर करते हैं तो ऐसे में आपको कुछ प्रिकॉशंस का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड, इसका सबसे पहला प्रिकॉशन ये है फ्रेंड कि सप्ताह में 3 बार से अधिक आप लहसुन को लागू ना करें। और यदि फ्रेंड्स आप लहसुन की गंध से दूर रहना चाहते हैं तो ऐसे में आप सुगंध जोड़ने के लिए 1 चुटकी पेपरमेंट ऑयल मिला सकते हैं। और याद रखिए फ्रेंड्स
केवल पिसे हुए लहसुन को आप स्कैल्प पर लगा दे हैं, तो ऐसे में फ्रेंड्स आपके स्कैल्प पर छरछराहट हो सकती है, यानी कि आपको इरिटेशन प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स लहसुन की जगह पे आप लहसुन का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और फ्रेंड्स याद रखिए, अगर आपको लहसुन से किसी भी तरह की एलर्जी होती हो तो ऐसे में फ्रेंड्स आप इसका मास्क, ऑयल या फिर किसी भी तरह से लहसुन का उपयोग करना अवॉइड कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।